हेलो गाइस, वेलकम टू जेबी टेक्टिक्स यूट्यूब चैनल एंड मेरा नाम है जयवर्धन मकवाना। सो गाइस, आज मेरे पास एक बहुत कमाल का प्रोडक्ट आ चुका है, एयरटेल माई वाईफाई डोंगल, जो कि आपके सभी वायरलेस एंड नॉन वायरलेस डिवाइसेस को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकता है। तो आज इस वीडियो में हम इसका रिव्यू, अनबॉक्सिंग और इसकी सेटिंग्स और वो सब कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। तो गाइस, एयरटेल माई वाईफाई का बॉक्स फ्रंट से इस तरह का दिखता है। साइड्स में सारे फीचर्स मेंशन किए हुए होंगे एंड बैक साइड में सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होगी। इधर इसकी MRP 3,250 रुपीस लिखी हुए है, लेकिन मेरे फ्रेंड निकुंज ने इसे 2,500 रुपीस यानी 2,500 रुपये में बाई किया था। इसके साथ हमने 28 डेज के 5 मंथ का रिचार्ज यानी टोटल 140 डेज 300 रुपये में किया था, जो कि कंपेरेटिवली चीप है मोबाइल रिचार्ज से। ये 1.5 GB का प्लान था, 300 रुपये का 5 महीना 28 दिन वाला। तो अभी इसे ओपन कर लेते हैं फटाफट। तो ये एक माइक्रो USB केबल है और ये जो हमने सिम कार्ड बाई की थी इसके साथ वो लेनी पड़ी थी, ये वो सिम कार्ड का पैकेट। ये माइक्रो USB केबल भी हम खोल लेते हैं। चलो, तो इसके साथ एक छोटी माइक्रो USB केबल है, जिसे आप चार्ज करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं या अपने कंप्यूटर जो कि वायरलेस नहीं है वाईफाई वाले उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं इससे इंटरनेट से। इसे हम साइड में रख देते हैं। फिर ये बैटरी, एक साइड से पूरी ब्लैंक है, तो इसके mAh है 2700 mAh बैटरी, ली आयन टेक्नोलॉजी, तो इसे भी हम साइड में रख देते हैं। और ये एकदम लाइट वेट है अभी, क्योंकि बैटरी हैवी है इसकी। ये एयरटेल माई वाईफाई डिवाइस, इसमें इंडिकेटर मिलता है नेटवर्क का, बैटरी, SMS और ये वाईफाई हॉटस्पॉट ऑन होने पर ये वाला होता है। ये एक देख साइन ही है, मतलब आप देख सकते हैं विंडो भी दिख रही है, मिरर टाइप है। और इसकी बैक साइड इस तरह की है, बिना टोन की। और इसके साथ एक क्विक स्टार्ट गाइड मिलती है। इसमें एक साइड में मतलब सारे मतलब वो मैन्यूल लिखे हैं, मतलब सारे, तो हम इससे मैं आपको एक्सप्लेन ही कर दूंगा, तो आपके ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो गाइस, हम इसे ओपन कर लेते हैं फटाफट से। तो इधर मैंने सिम कार्ड लगा के रखा है, आप अपना मेमोरी कार्ड भी यूज़ करने के लिए लगा सकते हैं इधर। तो गाइस, आपको एक बात ध्यान रखना है, इसका आपका वाईफाई नेम इधर लिखा है एंड डिफ़ॉल्ट पासवर्ड भी इधर ही लिखा होगा, तो आप चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं। और IP एड्रेस आपको ये लॉगिन करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको अगर सेटिंग्स चेंज करनी हो इसकी, तो मैं फटाफट इसे लॉगिन करूँगा अभी। आप ये सारी डिटेल्स कहीं लिख लीजिए या फोटो पर खींच के रख लीजिए, क्योंकि ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसी में लिखी है, वाईफाई नेम, वाईफाई पासवर्ड। फिर अगर आपको IP एड्रेस यूज़ होगा, अगर आपको सेटिंग्स चेंज करनी हो इसकी एयरटेल माई वाईफाई की, जो कि बहुत ही अमेजिंग फीचर है, तो मैं अभी आपको वो पहले करके बता दूँ। फटाफट मैं बैटरी लगा देता हूँ, ढक्कन ढक्कन बिना टोन नीचे आएगा। ओके ओके, नाइस, पावर ऑन। आपको इसको 5 सेकेंड तक दबा के रखना पड़ेगा। ओके, बैटरी हुई, अभी धीरे धीरे सारे मार्किंग्स आ जाएंगे। ओके, SMS, नेटवर्क भी हॉटस्पॉट ऑन हो रहा है, तब तक हम मोबाइल ओपन कर लेते हैं। ये वाईफाई मैंने ऑन कर लिया। ओके, मैं एयरटेल माई वाईफाई से कनेक्ट हो चुका है। इसके अंदर डिफॉल्ट पासवर्ड है, वो मैंने चेंज नहीं किया, क्योंकि खाली खोटा मतलब क्यों मगजमारी करें। तो अभी हम फटाफट, तो आपको IP एड्रेस लिखना है 192.168.11। तो अभी लॉगिन ID पासवर्ड तो हमने एडमिन ही रखे हैं, एडमिन। ओके, लॉगिन, तो आप देख सकते हैं एयरटेल इंटरनेट TDD LTE। इधर आपको स्पीड लिखी आएगी जो भी आपकी चल रही होगी अभी, 8.47, 8.39। तो ये आपके डिवाइस पर डिपेंड करता है कितना यूज़ कर रहा है। बैटरी इंडिकेटर, इधर कनेक्शन सेटिंग्स आप देख सकते हैं, मोड ऑटो, IPv4, एयरटेल PPRS। ओके, कैंसिल, ये क्या आ गया,
ओके सॉरी, मेरा एंड्रॉइड सेटिंग का कुछ खुल गया था। तो अभी स्टेटिस्टिक्स में आप देख सकते हैं आपका कितना इंटरनेट यूज़ हो रहा है। फिर वाईफाई सेटिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो बताता हूँ मैं। आप देख सकते हैं वाईफाई सेटिंग्स, तो ये इधर आप पासवर्ड और वो सब चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो भी हम नहीं करने वाले कुछ। वाईफाई कवरेज मेन है, आप देख सकते हैं शॉर्ट वाईफाई कवरेज और बेस्ट बैटरी लाइफ। एंड अगर आप इसकी रेंज घटा दे इधर से सेटिंग करके, तो इसकी बैटरी ज़्यादा चलेगी। मीडियम वाईफाई कवरेज, लॉन्ग वाईफाई कवरेज, मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके मतलब सारे डिवाइसेस बहुत नज़दीक है आपके हॉटस्पॉट के, तो आप इससे शॉर्ट वाईफाई कवरेज भी कर सकते हैं, तो मतलब आपकी बैटरी सेव हो सकती है। लॉन्ग वाईफाई कवरेज यानी अगर आपके डिवाइसेस सारे बहुत दूर दूर रहते हैं, तो आप लॉन्ग वाईफाई कवरेज रख सकते हैं। इधर आप ब्लैकलिस्ट भी कर सकते हैं किसी की डिवाइस को, अगर कोई गलत मतलब आपका फ्रेंड या मतलब बार बार कनेक्ट कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो आप उससे मतलब ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं, तो वो उन्हें कनेक्ट नहीं कर पाएगा। फिर अदर सेटिंग्स में पासवर्ड है, तो आप उससे चेंज कर सकते हैं, लॉग इन पासवर्ड, रिस्टार्ट डिवाइस, तो ये वो तो अभी ज़रूरत नहीं है। एंड लास्ट में SMS, तो आप देख सकते हैं इधर SMS आ चुके हैं सारे, क्योंकि मैं गुजरात में रहता हूँ, ये सारे SMS मतलब मोस्ट ऑफ गुजरात में लिखे हुए हैं कि कितना डेटा बचा है, ये है वो है। तो इसमें 1.5 GB का रिचार्ज किया है, ये सारे ऑफर्स मतलब आ रही है, तो आपको यही करना है 192.168.11 इस पर जाना है। एडमिन ही डिफॉल्ट लॉगिन ID पासवर्ड रहेगा, क्योंकि मैंने मैनुअल पहले बहुत सारा देख लिया था, इसलिए अभी मुझे सब पता चल गया है किस तरह है। अभी मेरे ये क्योंकि मेरा सेकेंडरी डिवाइस है, इसमें बहुत ज़्यादा एप्स नहीं है, इसलिए इसमें मतलब नेट बहुत ही कम यूज़ हो रहा है, इसलिए 0 BPS स्पीड आ रही है। अभी मैं मेरे मेन मोबाइल में कनेक्ट करता हूँ, क्योंकि ये सेकेंडरी डिवाइस है। तो गाइस अभी मैं मेरे मेन मोबाइल में स्पीड टेस्ट करने वाला हूँ, पहले मैं मोबाइल डेटा से करूँगा। आप देख लीजिए मैं मोबाइल डेटा ऑन किया है, तो पहले हम मोबाइल डेटा से स्पीड टेस्ट करेंगे और फिर एयरटेल माई वाईफाई डिवाइस कनेक्ट करके करेंगे। आप देख सकते हैं ये मेरा मोबाइल डेटा है, वाईफाई नहीं है वो। फोकस हो जाए यार। तो आप देख सकते हैं एयरटेल का मेरे मोबाइल डेटा में अभी चल रहा है, 10 MBPS स्पीड ले रहा है, अभी आ रही है बहुत अच्छी 11 MBPS। और अपलोड स्पीड आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा आ रही है, 13 MBPS तक टच कर गया था। अभी मैं मेरे मोबाइल डेटा पर हूँ, आप देख सकते हैं जैसे कि तो स्पीड सेटिस्फाई करने वाली है। अभी मैं जिधर अभी मेरे मोबाइल डेटा में, अभी हम वाईफाई में कनेक्ट करके भी करेंगे। मैंने कुछ टेस्ट पहले करे रखे थे, आप देख सकते हैं ये वाईफाई वाला आइकन 9 MBPS, 1 MBPS, 6 MBPS, 5 MBPS। अभी हम एक बार फिर से कर लेते हैं वाईफाई पर जाके, मोबाइल डेटा ऑफ। ओके एयरटेल माई वाईफाई आप देख सकते हैं कनेक्ट हो चुका है, स्पीड टेस्ट फिर से। सर्वर इससे नेट सोल पहले पर लिया था, तो अभी देखते हैं कौन सा सर्वर इससे कनेक्ट करता है नजदीक में। बहुत ही टाइम ले रहा है इस बार। ओके भारतीय एयरटेल लिया, चलो वो। आप देख सकते हैं एयरटेल माई वाईफाई स्पीड्स पहले ज्यादा आ रही थी, लेकिन 15-20 MBPS टच हो गया था, अभी 14 पर आ चुकी है। ये क्योंकि फ्लक्चुएट करता है, अलग अलग चिप्स भी होती है अलग अलग डिवाइसेस में। 16.5 MBPS आप देख सकते हैं एयरटेल का वाईफाई कनेक्ट हुआ है, इसमें अपलोड स्पीड कम आ रही है आप देख सकते हैं। ओके तो फर्स्ट ट्रायल में 6.5 MBPS की डाउनलोड स्पीड मिली है और अपलोड स्पीड 2.22 MBPS मिली है, क्योंकि मेरे ये मतलब नेटवर्क थोड़ा फ्लक्चुएट होता है, लेकिन आप देख सकते हैं 16.5 ये वाईफाई में, फिर 11 मेरे मोबाइल डेटा में ये वाईफाई की, पर ये मेरे नीचे वो सारे मेरे मतलब LTE जितना लिखा है वो मेरे मोबाइल डेटा का है, तो ये जो वाईफाई सिम्बल्स से ऊपर
बहुत सारे वाईफाई का है, तो अच्छी स्पीड आ रही है ऐसे तो कंपेयर करें तो बहुत फर्क नहीं है, क्योंकि क्योंकि मोबाइल डेटा की चिप अलग होती है स्नैपड्रैगन वाली, और ये वाईफाई डिवाइस की चिप अलग होगी, इसलिए इतना फर्क तो आएगा ही थोड़ा। तो अभी हम इसे लैपटॉप में कनेक्ट करेंगे, क्योंकि वो मुझे डेटा केबल वाला भी दिखाना है कि डेटा केबल से हम कैसे कर सकते हैं। चलिए फटाफट वो भी करते हैं। तो गाइस अभी मेरे डेस्कटॉप में अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू है, तो अभी इससे एयरटेल माई वाईफाई को विदाउट वाईफाई कैसे कनेक्ट कर सकते हैं वो मैं आपको करके बताऊंगा। तो हम इसका टाइनी केबल जो इसके साथ आया है माइक्रो यूएसबी केबल वो ही ले लेते हैं। आप अपने कोई भी चार्जर का केबल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसके साथ जो आया है वो यूज़ करूँगा। तो इधर WPS बटन है नीचे, एंड ऊपर वाला है वो पावर बटन है, फोकस हो जाए। यस, ये WPS, ये पावर बटन। तो मैं अभी पावर बटन ऑन कर देता हूँ फटाफट से। ओके, स्टार्ट हो गए। तो इसका केबल ओके, तो ये मैंने केबल लगा दिया इधर, और अभी इसका दूसरा एंड में उधर पोर्ट है। एक मिनट, वन सेकेंड, फोकस फोकस। यस, केबल किधर है मेरा केबल? ओके, मैंने केबल कनेक्ट कर लिया, अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू ही है। तो आ गया, देख सकते आप नेटवर्क्स आ गया, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी है और ये दोनों रिकॉर्डिंग भी चालू है। तो इधर तो मैं नो कर देता हूँ, क्योंकि मुझे होम नेटवर्क पर ही हूँ मैं। तो अभी हम एक स्पीड टेस्ट करेंगे। पहले मैं केबल से स्पीड टेस्ट करूंगा, फिर हम इसे वाईफाई से कनेक्ट करके स्पीड टेस्ट करेंगे। तो अभी हम एक बार स्पीड टेस्ट खोल लेते हैं। स्पीड टेस्ट बाय उकला। पहले मैं एड्स लोड होने हो जाने देता हूँ, ताकि फिर बाद में वो कोई गड़बड़ ना हो। ओके, रेडी स्टडी गो। MBPS, 30, अप्रोक्स 30-40 MBPS सभी डाउनलोड स्पीड आ रही है। हमने केबल यूज कर रहे हैं, केबल से कनेक्ट करके, तो देखते हैं अभी अपलोड स्पीड कितनी मिलती है। 5, 4, 3। ओके, तो स्पीड आ चुकी है 15.41 डाउनलोड स्पीड, तो 2.35। तो मैं अभी एक नया स्पीड टेस्ट टैब ओपन कर लेता हूँ, पहले इससे डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। गाइस मैं आपको बताना भूल गया था एक मिनट, कि इसमें आपको मतलब वो एयरटेल की ऐसी सीडी ड्राइव होगी, आप देख सकते हैं। तो इसमें एक सॉफ्टवेयर आएगा, वो आपको ड्राइवर मतलब हो गए वो इंस्टॉल करने पड़ेंगे, ताकि ऐसे एयरटेल 4G माईफाई का आइकन आ जाएगा, आप देख सकते हैं लेफ्ट कॉर्नर में मेरे। तो वो आपको मतलब ड्राइवर पहले डालना पड़ेगा, तभी आप केबल से यूज़ कर पाएंगे अपने लैपटॉप या पीसी में। तो अभी मैं इससे डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, अभी फटाफट मेरे वाईफाई ओपन कर लेता हूँ। वाईफाई ऑन किया, एयरटेल माई वाईफाई कनेक्ट। पासवर्ड एक मिनट में डाल देता हूँ, मुझे ये मैंने कहीं लिखे रखा था। ओके गाइस, तो मैंने अभी वाईफाई से कनेक्ट कर लिया इसे, तो अभी हम फिर से स्पीड टेस्ट करने वाले हैं। ये रहा वाईफाई। तो मैंने अभी केबल वाला रिजल्ट अभी रखा है, क्योंकि हम इसे कंपेयर करते हैं कि कोई फर्क आता है या नहीं केबल या मतलब वो यूज करने में वाईफाई से। केबल का मैक्स स्पीड थी 15.41, तो भी देखते हैं वाईफाई में क्या स्पीड आती है। वाईफाई
तो गाइस कुछ अलग ही रिजल्ट आए, क्योंकि अभी वाईफाई में मुझे सबसे ज़्यादा स्पीड दिख रही है। मतलब इसका पता नहीं क्या है, लेकिन ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन वाईफाई में बहुत ही ज़्यादा स्पीड आई है। केबल में 15 Mbps की स्पीड आ रही थी, अभी हमने वायरलेसली कनेक्ट करके रखा है तो 17.44 की स्पीड आ रही है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आपको केबल यूज़ करना चाहिए, कि केबल में अभी 15.41 Mbps की स्पीड मिली थी हमें, और वाईफाई जब हमने कनेक्ट किया वाईफाई से इसे, तो ये 17.44 की स्पीड आ रही थी। तो पता नहीं लेटेंसी का कहीं प्रॉब्लम हुआ होगा, और अपलोड स्पीड इधर कम थी और वाईफाई में अपलोड स्पीड भी ज़्यादा ही है। तो अभी तो वाईफाई बेस्ट है, लेकिन अगर आपके पास ओल्ड पीसी है, मतलब वो है, तो आप केबल भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्पीड तो मतलब हर बार चेंज होती रहेगी। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। और अगर आपने अभी तक JB Tactics YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, सब्सक्राइब कर दो फटाफट यारो, जल्दी करो। अभी हमारे 2.22K सब्सक्राइबर्स हैं, तो फटाफट से हमें 2.5K सब्सक्राइबर पहुंचना है, फटाफट सब्सक्राइब मारो यारो। ओके वीडियो गाइस, अभी मैं बोल बोल के एकदम थक गया हूँ, तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।